जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर और चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके लिए कि ईश्वर की कृपा या भगवान पर विश्वास, जो कि समय के साथ या किसी भी चीज पर हम परेशान होते हैं, तो कहीं जब भी विश्वास आपका ईश्वर के प्रति कम हो, तब हम क्या करें, तब क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये स्थिति हमने क्यों देखी, ये बहुत सारी बातें होगी। सबसे पहली बात क्लियर कर दूं कि चाहे हालात अच्छे हो, बुरे हो, जो भी हो, अपना जप मत छोड़िएगा। जिस भी ईश्वर का स्मरण करते रहिएगा, वो जप आप कंटिन्यू करेंगे। जप का सीधा सा अर्थ एक बार मैं और बता देना चाहता हूँ कि केवल ईश्वर का नाम लेना, श्री राम ओम नमः शिवाय, ये इसको कंटिन्यू रखना, इसे ही जप करते हैं। सोते उठते बिठते खाते जीवन में जब भी वक्त मिले इसे करते रहना, ये जप है, स्मरण है, ये कंटिन्यू करते रहना। दूसरी बात होती है कि जब हम जप करते हैं तो हमारे बीच अवधान या उत्पन्न होते हैं, तो कई बार पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव कुछ नहीं होता, और हम उसमें इतना बिजी हो जाते हैं कि हम इन चीजों पर ध्यान ही नहीं, मतलब इन जो मेन चीज है उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो आप इस बात को हमेशा याद रखें, मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूँ कि दूसरे काम, दूसरी प्राथमिकता होगी, पहला ही काम हमारा ईश्वर का जप करना है, क्योंकि उसकी कृपा हम पर है, इस पर कोई डाउट, नो डाउट। आप खुद अपना एनालिसिस जीवन का कर दीजिए कि आप कहाँ थे, आज कहाँ हैं, उसके पीछे वजह भी ढूंढेंगे तो खुद को पाएंगे कि हमारी गलती थी या अवसर थे, लालच था, घमंड था, जो चीजें ये सभी घूम कर आएगी और कुल मिलाकर स्वयं दोषी उसमें हम ठहराएंगे, जब आप खुद अच्छा एनालिसिस करेंगे तो। दूसरी बात, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और ये बात बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि जो चीज होती है वो अच्छे के लिए होती है। तो इस बात का दिमाग में कभी भी अंकुश न लगाए कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, या ऐसा क्यों हो रहा है, या कब होगा। हर चीज अपने नियत टाइम पर, समय पर हो जाएगी, हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, और जब वो होगा तब ये जितने भी पल आपने व्यतीत कर, क्योंकि होता है कि बुरे दिन जब बीतते हैं तो बहुत कठिनाई से बीतते हैं, अच्छे दिन मालूम भी नहीं पड़ते और कट जाते हैं, लेकिन जो बुरे दिन हैं, जो खराब वक्त है, वो खराब वक्त बहुत धीरे से कटता है, इसलिए उसका टाइम पीरियड लंबा रखता है, लॉन्ग टाइम लगता है। तो अभी आपसे मेरा यही निवेदन है इस विषय को लेकर कि कभी भी इन चीज़ों को इतना लाइटली, इतना लोड से न ले, बिल्कुल लाइटली, अपना जप करते रहे, अपना काम करते रहे, जरूर आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर सबकी सुनता है, आपके हक में शायद बहुत, आप ईश्वर की कृपा हो, बहुत बड़ा दुख लिखा हो, दर्द लिखा हो, और आपको बहुत कम में आप जो पश्चाताप है उससे ही चीज़ों को हल हो पाता है। तो ये पश्चाताप, इन चीज़ों को भोगना भी एक हल है, तो उस हल के लिए जो चीज़ हो रही है उसको स्वीकार हमें करना चाहिए। तो आप पर भगवान की कृपा जो है वो हर व्यक्ति पर है, और यही कृपा का एक बहुत अंदरूनी जो विषय है उस पर हमने चर्चा की। तो अगर आपको ओवरऑल अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट्स में आपको अपनी राय लिखना है, जो भी आपकी राय हो वो आप खुल कर लिख सकते हैं, कमेंट्स करते रहें। जय श्री महाकाल लिखें, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।